आप लोगों को मैं हमेशा समझाता हूँ कि आप लोगों को ऐसी गलती नहीं करना है जब आपका चैनल मोनेटाइज होकर आता है तो, लेकिन आप लोगों को समझ में नहीं आता है और बार बार आप लोग वही सेम गलती करते हो जिसकी वजह से आप लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है और आपका चैनल डिसेबल हो जाता है और जितना भी आपने मेहनत किया है सब बर्बाद हो जाता है। क्योंकि मेरे एक व्यूवर ने जो भी एक गलती किया है वो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ और मैं आपको एक बात यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, अगर आपका चैनल मोनेटाइज होकर आता है तो ऐसी 5 गलती कभी भी अपने चैनल पर नहीं करना है, वरना आपने चैनल बनाने से लेकर चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम करने से लेके चैनल को मोनेटाइज करने से लेके आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, बाद में आप लोग डिप्रेशन में चले जाओगे, बाद में आप लोग यहां पर रोने लग जाओगे, क्योंकि ये जो गलती है आप लोगों को काफी ज्यादा महंगी पड़ सकती है। और ये जो 5 गलती है वो खासकर नए क्रिएटर करते हैं जो कि आप लोगों को नहीं करना है। मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो मेरे जो व्यूअर है उन्होंने क्या गलती की है। पहली गलती आपको मैं यही बता रहा हूं, देखो गाइस जब आपका चैनल मोनेटाइज होकर आता है तो सबसे पहले चीज, जब मोनेटाइज होकर आता है तो आप लोग चाहते हो कि आपकी अर्निंग ज्यादा से ज्यादा हो, लेकिन अर्निंग कैसे होती है जो आपके 48 आवर्स में जो व्यूज आते हैं। लेकिन बहुत सारे नए क्रिएटर्स के साथ में ऐसा होता है कि उनके जो 48 आवर्स में जो व्यूज आते हैं वो कितने आते हैं, 50 60 100 या 500 250 300 इसी तरीके से व्यूज आते हैं, और जिसकी वजह से उनकी जो अर्निंग है वो भी काफी कम होती है। और ये लोग क्या करते हैं, जब वो अपनी वीडियो डालते हैं तो व्यूज लेके आने के चक्कर में यहां पर अपनी वीडियो का लिंक किसी ग्रुप में सेंड कर देते हैं, जैसे टेलीग्राम हो गया या और भी अदर ग्रुप हो गए, उसमें अपनी वीडियो का लिंक शेयर कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी वीडियोस पर जो व्यूज आते हैं, जहां पर वो वीडियो को अपनी शेयर करते हैं वहां से उनकी वीडियोस पर व्यूज आते हैं, और ऐसे में आपका जो गूगल एडसेन है वो डिसेबल हो सकता है परमानेंट। और ये जो गलती है मेरे एक व्यूअर ने किया है, यहां पर उन्होंने अपनी वीडियो का जो लिंक है अपने ग्रुप में सेंड कर दिया, बहुत सारे ग्रुप थे इनके, वहां पर अपनी वीडियो का लिंक शेयर कर दिया, जैसे टेलीग्राम हो गया और भी इसके ग्रुप थे, तो वहां पर उन्होंने अपनी वीडियो का लिंक सेंड कर दिया और वहां से उनकी वीडियोस पर व्यूज आने लगे, जिसके वजह से YouTube ने इनका गूगल एडसन 1 महीने के लिए डिसेबल कर दिया। अब सबसे बड़ी गलती, एक बात मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं, अगर आपके चैनल पर इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी आ गया तो आपका जो है यहां पर 2 बार चांस मिलता है, एक बार अगर आपके चैनल पर इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी आ गया तो यहां पर आपका गूगल एडसन 1 महीने के लिए सस्पेंड हो जाता है, लेकिन अगर आप दोबारा से वही गलती या दूसरी तीसरी चौथी पांचवी गलती करते हो तो यहां पर परमानेंटली आपका गूगल एडसन डिसेबल हो जाएगा और वो जो चैनल है आपका किसी काम का नहीं रहेगा, बस वहां पर आपको सब्सक्राइबर दिखेंगे, आपको वीडियोस दिखेंगे, आपके वीडियोस पर व्यूज आते रहेंगे, लेकिन आप यूट्यूब पर 1 रुपए की भी अर्निंग नहीं कर सकते हो। ये थी पहली आपकी गलती। दूसरी गलती, आप क्या करते हो जब आपका चैनल मोनेटाइज होकर आता है, और आपने किया होगा, जैसे ही आपका चैनल मोनेटाइज होकर आता है आप सारी वीडियोस का अपने ऐड ऑन कर देते हो सारी वीडियोस का, और आप देखते हो बार बार 2-3 फोन लेके अपने घर में कि यार मेरी वीडियोस पर ऐड आ रहा है नहीं आ रहा है, और वीडियो पर क्लिक करते हो और वीडियो का ऐड भी देखते हो और वीडियो भी अपनी देखते हो, जिसकी वजह से यूट्यूब का एल्गोरिथम कैच कर लेता है और आपके मोनेटाइजेशन को डिसेबल कर देता है, क्योंकि यहां पर आप खुद अपनी वीडियो का ऐड देख रहे हो, खुद अपनी वीडियो को देख रहे हो, खुद आप अर्निंग कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका गूगल एडसन डिसेबल हो जाता है। और ये बहुत सारे लोगों के साथ में प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि यहां पर उनको कोई सही से गाइड नहीं कर रहा है, और आप लोगों मैं ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मेरे जो व्यूवर्स के साथ में हो रहा है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना बहुत ज्यादा जरूरी समझा है कि अगर आपका चैनल मोनेटाइज होकर आता तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। ये गलती नंबर 2 है। गलती नंबर 3, आप क्या करते हो, जैसे कि सपोज आप 4 दिन 5 दिन 10 दिन तक आपने कोई भी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं किया है, तो आप लोग क्या करते हो, किसी की कोई भी वीडियो उठाते हो, उसको एडिट करते हो, YouTube से डाउनलोड करते हो, किसी अदर वेबसाइट से लेते हो और थोड़ा बहुत वॉइस ओवर करते हो थोड़ा बहुत, और अपने चैनल पर अपलोड कर देते हो, लेकिन यही सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से आपका चैनल पर रियूज कंटेंट आ जाता है और हो सकता है कि YouTube आपको रिपीटेड वॉयलेशन देकर आपके मोनेटाइजेशन चैनल को डिलीट कर दे और आपका यहां पर सारा करियर खत्म हो जाएगा YouTube पर। आपको कभी भी ऐसा गलती नहीं करना। अगर आप 4 दिन 5 दिन 10 दिन के लिए अपने चैनल पर आपने गैप लिया, अपने वीडियो नहीं डाला है, तो आपको किसी दूसरे की वीडियो नहीं डालना है। जब आपके पास टाइम हो तब आप अपनी ओरिजिनल वीडियो डालो जिसमें आपका वॉइस ओवर फेस कैम हो, आपका मोनेटाइजेशन डिसेबल कभी नहीं होगा और कभी भी आपका चैनल डिलीट होने के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, इतना याद रखना। तो ये गलती नंबर 3 थी जो कि मेरे व्यूवर्स कर रहे हैं और शायद आप लोग भी करते हैं, तो आपको ये गलती नंबर 3 नहीं करना है कभी भी। गलती नंबर 4 कभी भी आपको नहीं करना, जो कि YouTube पर अभी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, वो कर रहे हैं CPM वर्क, अपने डॉलर को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत सारे YouTube पर ऐसी वीडियो बन रही है जिसके वजह से आपका Google AdSense सस्पेंड हो सकता है परमानेंटली और यहां पर आपके चैनल पर इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी आ जाएगा। अगर आप लोग अर्निंग बढ़ाने के चक्कर में फंसे हो और आप चाहते हो कि कम व्यूज में ज्यादा अर्निंग
अर्निंग करना चाहते हो और आप लोग अर्निंग करने के चक्कर में अपने चैनल को आप खतरे में डालते हो, जिसके वजह से आपका चैनल पर करियर खत्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आपका चैनल मोनेटाइज ही नहीं होगा, परमानेंट डिसेबल हो जाएगा, तो आपके वीडियो बनाने का कोई भी फायदा नहीं है। तो इसलिए कभी भी आपको सीपीएम वर्क नहीं करना है। आप कोशिश करो कि अपने चैनल पर रियल टाइम व्यूज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ा पाओ। अगर आपके रियल टाइम व्यूज ज्यादा से ज्यादा बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी अर्निंग भी बढ़ेगी, आपको कोई भी सीपीएम वर्क करने की जरूरत नहीं है। गलती नंबर चार यही है। गलती नंबर पांच, जो कि काफी सारे यूट्यूबर कर रहे हैं, उनकी वीडियोज पर व्यूज नहीं आता है, तो वो क्या करते हैं, व्यूज को परचेज करते हैं। हाँ गाइज, आप अपनी वीडियोस पर व्यूज को लेकर आ सकते हो, ट्रैफिक लेकर आ सकते हो ज्यादा से ज्यादा। और व्यूज कहां से लेकर आते हैं, ये कहीं भी कोई भी वेबसाइट पर जाते हैं और वहां पर कुछ पैसे देते हैं और व्यूज अपने वीडियोस पर लेकर आते हैं, जिसमें 1,000, 2,000, 3,000 व्यूज लेकर आते हैं, जिसकी मदद से उनकी वीडियोस पर अर्निंग भी होती है। व्यूज लेकर आते हो गलत तरीके से, लेकिन अर्निंग भी होती है। लेकिन अगर YouTube के एल्गोरिदम का पता चल गया आप गलत तरीके से अपने वीडियोस पर ट्रैफिक लेकर आ रहे हो, वीडियोस पर व्यूज लेकर आ रहे हो, तो आपका जो है यहाँ पर चैनल डिलीट हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है, या इनवैलिड क्लिक एक्टिविटी भी आपको दे सकता है Google AdSense, या आपको रिपीटेड वॉयलेशन YouTube आपको देकर आपके चैनल को परमानेंटली डिसेबल कर सकता है। तो ये पांच जो गलती है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। और हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग अपना YouTube पर करियर बनाने आए हो तो आप लोगों को ऐसी गलती कभी भी नहीं करना है। आप अपना चैनल पर रेगुलर रहो, रेगुलर वीडियो डालो, और रेगुलर हो सके तो अच्छा कंटेंट दो, तब आपकी वीडियोस पर व्यूज इंक्रीज होने लगेंगे, और जब व्यूज इंक्रीज होंगे तो आपके चैनल पर अर्निंग भी तेजी से इंक्रीज होगी। इसीलिए मैं आपको ये वीडियो बना के जरूरी समझा रहा हूं, आप लोगों इस बात को दिमाग में बैठा लो अपने अच्छे तरीके से। तो आप समझ चुके होंगे ये पांच गलती कभी भी अपने चैनल पर नहीं करना है, खासकर मैं नए क्रिएटर से ये बात बोल रहा हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस फैमिली में जुड़ने के लिए इस लाल वाले बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मुझे आपके एक सब्सक्राइबर से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बेल आइकन दबा देना, जिससे आपको मेरी ऐसी जेन्युइन वीडियो मिलती रहे गाइस। तो चलिए फ्रेंड्स, सभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।